देखो भाई, किसी भी सुपर हीरो जॉनरा मूवी या सीरीज में आज तक किसी भी विलन का कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगा है तो वो है अपने लोकी का। जहाँ जिस तरह से एक मोस्ट हेटेड कैरेक्टर को मार्वल ने मोस्ट लवेबल कैरेक्टर बनाया था, भाई आज भी मुझे याद है जहाँ लोकी को हम कैसा समझते थे एंड वो एक्चुअल में कैसा निकला। लेकिन अभी रिसेंटली बिना किसी सुपर पावर के साथ मुझे एक ऐसा ही विलन पसंद आया है जो कि पसंद करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये विलन अपनी एग्जिस्टेंस नए डीसीयू में रखता है दी बैटमैन के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। जहाँ अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ पेंगुइन की, जिसके सारे एपिसोड फाइनली स्ट्रीम हो चुके हैं एंड मैंने वो सब देख भी लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे फ्रिक्शनल कैरेक्टर के बारे में जिससे आपको इतनी नफरत हो जाएगी कि अगर ये सच में आपके सामने आ जाए तो आप खुद ही इसे मार डालोगे। बट आगे बढ़ने से पहले हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं दी पेंगुइन सीरीज के बारे में। अब भाई लोगों, इस सीरीज की स्टोरी आपको शॉर्ट में बता दूं बिना किसी स्पॉइल के साथ, तो कहानी दी बैटमैन वाले इवेंट के ठीक एक हफ्ते बाद चालू होती है, जहां रिडलर ने गॉथम की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा दिया था और साथ ही इन सब के बीच गॉथम के क्राइम लॉर्ड यानी कारमाइन फाल्कोनी को भी मार दिया गया था। अब उसे किसने मारा था वो तो हम सब जानते ही हैं। अब अगर आपको नहीं पता तो मूवी देख लेना, पता चल जाएगा। तो अब बिना क्राइम लॉर्ड के होते हुए गॉथम पे हकदारी रखने आते हैं फाल्कोनी खानदान के वारिस सोफिया फाल्कोनी एंड अल्बर्टो फाल्कोनी, एंड इनके अपोजिट गॉथम के प्रीवियस क्राइम रूलर यानी सेल्वेटोर मरूनी भी इस लाइन में है, जहां ये सीरीज हमें गॉथम में चल रहे थ्रोन को लेके कौन हकदार बनेगा वही सब बताती है, जिसमें पेंगुइन इस इवेंट में उस कहानी की तरह एकदम फिट बैठता है जहां दो बिल्लियां आपस में लड़ती रह जाती है और रोटी बंदर खा जाता है। सिंपली बताऊं तो पेंगुइन अगला क्राइम लॉर्ड बनना चाहता है गॉथम सिटी का। एंड इन्हीं सब का ध्यान रखते हुए पेंगुइन सीरीज आपको इतनी मैच्योर तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करती है जो कि मुझे इतनी बढ़िया लगी कि मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता। I mean, ऐसी सीरीज आपको रियलिटी चेक देने के साथ कैरेक्टर से इतना कनेक्ट करवा देती है जिससे उन फ्रिक्शनल कैरेक्टर के साथ जो भी बुरे इवेंट्स होते हैं आप भी वो फील करने लगते हो या आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करने लगते हो। और भाई इस सीरीज का मेन फोकस पेंगुइन पे होने से हमें इस कैरेक्टर को इतना डार्क तरीके से बताया गया है कि इस सीरीज का एंड आते आते आप इस कैरेक्टर से दिल से नफरत करने लगोगे। और अगर एहसान फरामोश इस वर्ड का चेहरा दिखाना होना तो वहाँ पेंगुइन की फोटो लगा देना, इतना निहायत ही लिचड़ कैरेक्टर था ये, और शायद यही वजह है कि मुझे ये कैरेक्टर इतना पसंद आया। क्योंकि तुम खुद समझो इस बात को, जहां अगर कोई नॉन एग्जिस्टेंस इंसान आपके दिल दिमाग और जहन में इस तरह से बस जाए कि आपको उसे मारने का मन करे, तो भाई इससे ज्यादा ब्रिलियंट वर्क कहां देखने को मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि एक पेंगुइन सीरीज के 8 एपिसोड आपको इस एक्सीलेंट वर्क का एहसास हर एपिसोड के हर सीन में करवाते हैं। जिस तरह का क्राइम यहाँ होता है एंड उस क्राइम में जो जो लॉयल होता है उनका वजूद बस उतना ही होता है जितना इस बड़ी गैलेक्सी में एक चींटी का होता है। देखो भाई, इस बात को मैं हाईलाइट करके बताना चाहूंगा कि पेंगुइन सीरीज को मास ऑडियंस को टारगेट में रख के नहीं बनाया गया है। इसका स्लो स्क्रीन प्ले, इसकी काम और जेंटल डायलॉग डिलीवरी हर किसी को पसंद नहीं आने वाली। इस सीरीज को वही लोग एंजॉय कर सकते हैं जिनको एक्चुअल में ऐसे कंटेंट देखना पसंद हो। एंड अगर आप उन ऑडियंस में से हो जिन्होंने ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सोल, इवन गेम ऑफ थ्रोन जैसे शोज देखे हैं, एंड अगर आप मैच्योर कंटेंट देखने वाली ऑडियंस हो, फिर तो ये सीरीज आपको क्राइम, पॉलिटिक्स, सस्पेंस, ड्रामा बहुत ही हायर स्केल पे दे सकती है। बाकी इस निहायत ही ब्रिलियंट सीरीज के बारे में ज्यादा बात करके इसका मजा खराब नहीं करूंगा आपके लिए। जाओ खुद देखो, इसे एंजॉय करो, इसे फील करो। एंड हाँ, एंड में बता दूं कि सीरीज के फिनाले में बैटमैन का जिक्र भी हुआ है एंड ब्लैक कैट का भी। तो यस, दी बैटमैन 2 में हमें पेंगुइन के साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी बात करूं मेरी तो भाई फैंटास्टिक फीलिंग बोलूंगा, बहुत एंगेजिंग था ये शो मेरे लिए एंड आई रियली लव दिस शो बिकॉज भाई मुझे ऐसे ही शोज देखना पसंद है। जहां इसी के साथ अब अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो और सीरीज को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।